नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद का मिशन, जासूसों को हमास लड़ाकों के खत्म खात्मे का जिम्मा दिया गया है, 7 अक्टूबर नरसंहार के गुनहगारों को मारने का जिम्मा दिया गया है। मोसाद जो दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी कहलाती है, यानी खुफिया एजेंसी, वो इजराइल की एजेंसी है और अब इसे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 7 अक्टूबर के जो गुनहगार रहे उनका खात्मा किया जाना चाहिए, उन्हें मारने का आदेश दिया गया है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि मोसाद को नेतन्याहू ने क्या आदेश दिया है। नेतन्याहू ने मोसाद को आदेश दिया है कि 7 अक्टूबर के नरसंहार में शामिल हमास के आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दो, एक हर एक का हिसाब होना चाहिए, ये कहा गया है। इसके बाद मोसाद ने 1972 वाला म्यूनिक प्लान अपनाया, जिसे ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लान क्या था वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी इस आदेश की पूरी कहानी सबसे पहले समझे। मोसाद के इस मिशन के तहत बड़े जासूसों को खात्मे की जिम्मेदारी सौंपी गई है, चुन चुन कर हमास के बर्बर लड़ाकों के अंत का आदेश मिला है मोसाद को। अब आपको बताते हैं 1972 के ऑपरेशन म्यूनिक में क्या हुआ था, 1972 में क्या हुआ था, कैसे नेतन्याहू का आदेश उसी प्लान का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। उस समय इजराइल की प्रधानमंत्री थी गोल्डा मेयर। जर्मनी में आयोजित ओलंपिक गेम्स के दौरान म्यूनिक में 11 इजरायली एथलीट्स की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डन मेयर ने जासूसों को जिम्मा सौंपा कि पहले तो कातिलों की पहचान कर लो और फिर उनका चुन चुन कर सफाया कर लो। इस तरह से एथलीट्स की हत्या का बदला तब लिया गया था और अब शायद यही अपनाने की कोशिश हो रही है, 1972 वाला प्लान। और हमारे साथ सुमित चौधरी भी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। सुमित, एक बड़ी डिटेल हमने बताई है कि किस तरह से 1972 के प्लान पर काम किया जा रहा है, जब इजराइल के एथलीट्स को निशाना बनाया गया था और फिर मोसाद के लोगों को इन खुफिया इनपुट्स के सहारे ये सूचना दी गई, आदेश दिया गया कि खात्मा कर दो इन लोगों का। देखिए, ये प्लान जो है वो 1972 के प्लान से बिल्कुल अलग है। आप इसको 1972 के प्लान से कंपेयर करना थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज वॉर है। इसके अंदर ना सिर्फ इसराइल के सामने ये चुनौती है कि उसको गाजा पट्टी को, उन इलाकों को हमास से खाली कराना, बल्कि ये भी चुनौती है कि पूरी लीडरशिप को, हमास की पूरी लीडरशिप को वाइप आउट करना है। दरअसल हमास ना सिर्फ ज़मीनी तौर पर, डिफेंस के तौर पर, बल्कि वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। इतना मजबूत कि वो जो चाहता है वो कर लेता है। जब किसी भी सरकार को, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो जॉर्डन हो, किसी को भी अगर फिलिस्तीन में बात करनी होती है तो हमास को साथ लेकर अपने चलना होता है। तो यही सबसे बड़ा कंसर्न है इजरायली फोर्सेस के लिए भी कि अगर हमने गाजा पर अटैक कर भी दिया, अगर हमने चीजें क्लीन भी कर दी, उनके टनल्स को, उनके सर्विलेंस सिस्टम को, उनके जो बड़े बेसिस हैं, जो एम्यूनेशन डिपो, उनको बर्बाद भी कर दिया, तो फिर लीडरशिप को कैसे हैंडल किया जाएगा। यही वजह है कि आप देखें, वेस्टर्न बैंक की बात कर लीजिए, चाहे आप लगातार गाजा पट्टी की बात कर लीजिए, सभी जगहों पर ऐसी लीडरशिप्स को, इन कमांडर्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। उनके फोकस पर दोनों ही चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, यानी या फिर आप उनके बेसिस को भी बर्बाद कीजिए और उनकी लीडरशिप को भी, ताकि इनको रिवाइव करने में कम से कम लंबा समय लग जाए और तब तक इसराइल इन इलाकों को धीरे धीरे छोटे छोटे ऑपरेशन के तहत क्लीन करता चला जाए। इसी तरीके से ऑपरेशन वाइपआउट ये चला सकते हैं। दरअसल अभी सबसे बड़ी चुनौती, अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि अभी सिर्फ घुसना नहीं है गाजा पट्टी के अंदर, घुसना नहीं है गाजा पट्टी के किन किन इलाकों में घुसकर बैठना है, कौन कौन सी लोकेशंस को आपको पकड़ के बैठना है, कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस होगी जहां पर अगर आईडीएफ की फोर्सेस बैठेंगी तो अपने आपको भी सिक्योर करना है। ये सारी चीजें हैं जो इस समय आईडीएफ बहुत स्ट्रेटेजिक, बिल्कुल बहुत बड़ी और अच्छी जानकारी सुमित आपने दी कि स्ट्रैटेजिकली कैसे आईडीएफ चल रही है, क्योंकि अगर एक भी लड़ाका रह गया और अगर जड़ें रह गई, जड़ों को खत्म करने की आईडीएफ कोशिश कर रही है ताकि उसका रिवाइव होना मुश्किल हो जाए और पूरी तरह से उसका खात्मा हो जाए। ताकि सीज फायर के लिए तो बिल्कुल नहीं अभी राजी है आईडीएफ, और इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो रणनीति है बहुत अहम है, जैसा कि सुमित जानकारी दे रहे थे ग्राउंड जीरो से। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित ये जानकारी देने के लिए।